जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक वर्तमान रो सबुठारु बड़ आ केवल बछा बछा ब्रेकिंग न्यूज रो खबर रखिबा पई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही भिडियोटी को समस्त गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। देरी न करी आरंभ करबा कोन जय जगन्नाथ नंबर 1 मन की बात रे देशवासी को प्रधानमंत्री का आह्वान कहिले अगस्त 15 पर्यंत डीपी रे लगांतु त्रिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति पालन करिबा भारत। आसंता 13 रु अगस्त 15 पर्यंत हर घर तिरंगा अभियान चलिबा। 2 रु 15 अगस्त पर्यंत डीपी रे समस्त तिरंगा रखिबा को मोदी आह्वान दैछंती। एही दिन पिंगली भेकिया को जन्म जयंती जिए आरंभ राष्ट्रीय ध्वज को तयारी करथिले। तबे तिरंगा हमकु जोड़िकी रखिथाए आम देश पई किछि करिबा को प्रेरणा जोगाई थाए। सेपटे राज्य गोष्ठी क्रीडा रे सफलता पाइथिबा समस्त खेलाड़ी शुभेच्छा जणाइछंती। कहले युवावर्ग प्रति क्षेत्र रे देश को गौरवान्वित करूछंती। नंबर 2 24 घंटा मधरे 23 जिला रे कालबैशाखी आशंका येलो वार्निंग जारी। राज्य उपर देई जाइथिबा मौसमी ट्रफलाइन वर्तमान दुर्बल अवस्था रे गति करूछि। सेथि पई राज्य रे मौसमी वर्षा रो संभावना नाही। तेबे आसंता 24 घंटा मधरे राज्य रो 23 टी जिला रो अनेक स्थान रे बिजुली घड़घड़ी और वर्षा पवन सह कालबैशाखी हेबार संभावना रही बोली कही भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आगामी 24 घंटा मध्य अर्थात आज अपराह सुधा राज्यर सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, सम्बलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नवापड़ा, बलांगीर, कालाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और गजपति प्रभृति 23 जिलार गोटे कि दुईटी स्थान में बिजुली घड़घड़ी और वर्षा पवन सह कालबैशाखी हेबार संभावना रही। कालबैशाखी समय वज्रपात हेबार संभावना रही। कालबैशाखी समय पदा को न बाहर परामर्श देवा सह 23 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। नंबर 3 पुणी बढ़िबा पेट्रोल डीजेल दर। सरकारी तैल कंपनी देला बड़ संकेत। महंगा माड़रे देशवासी छटपट हेउथिबा बेले एने पुणी एक निराशजनक खबर आसीछि। खूब शीघ्र पेट्रोल डीजेल मूल्य बढ़ी पारे एने सरकारी तैल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पक्षरु बड़ संकेत मिली। गत एप्रिल जून त्रैमास आईओसी रो बहुत क्षति होई समय मधरे कंपनी को पेट्रोल बिक्री उपरे लिटर पिछा 10 टंका और डीजेल लिटर पिछा 14 टंका क्षति सहिबाकू पड़ुछि। देशर सबुठारु बड़ तैल शोधन और इंधन बिक्री करुथिबा कंपनी को चलित आर्थिक वर्ष 2022-23 रो प्रथम 3 मास रे 1,992.53 कोटी टंकार क्षति सहिबाकू पड़िछि। एहा पूर्व आर्थिक वर्षर प्रथम 3 मासर कंपनी 5,941.37 कोटी टंका लाभ कमाइथिला। सेहि परि तार पूर्व वर्ष जनवरी मार्च मधरे कंपनी 6,21.9 कोटी टंका लाभ हासिल करिथिला। नंबर 4 आरएमआरसी रे हेबो मंकी पॉक्स नमूना परीक्षा। देश रे आतंक खेलाई मंकी पॉक्स सतर्क हेलेनी राज्य सरकार। भुवनेश्वर आरएमआरसी रे हेबो मंकी पॉक्स नमूना परीक्षा एने सूचना दैछंती आरएमआरसी निर्देशिका डाक्टर संघमित्रा पति। आरएमआरसी रे नमूना परीक्षा पई समस्त प्रकारर भित्तिभूमि प्रस्तुत रहिछि। एनआईवी पुणेरू केवल किट अणा जाई परीक्षा करा जिवो। नमूना परीक्षा अनुमति पई केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लेखा जाईछि। अगस्त मास सुधा भुवनेश्वर रे मंकी पॉक्स टेस्टिंग आरंभ होई पारे बोली डाक्टर संघमित्रा पति कहिसंती। एजाई ओडिसा रे मंकी पॉक्स आक्रांत चिन्हट होई नाहंती। विदेश फेरतांको तालिका केंद्र को मगा जाइछि। जिला स्तर रे लोक को सचेतन करा जाउछि। स्वास्थ्य विभाग खूब शीघ्र एसओपी जारी करिवो। एससीबी मेडिकल ले मेडिसिन विभाग प्रोफेसर डाक्टर जयंत पंडांको अध्यक्षता रे विशेषज्ञ मानकु नेई एक कमिटी गठन करा जाइछि। प्रत्येक जिल्ला रु मेडिसिन शिशु और चर्म रोगर डाक्टर तथा राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी अधीनस्थ समस्त जिला स्तरीय अधिकारी को एही चिकित्सा पई तालीम दिया जिवो। नंबर 5 मुंबई रो पत्राचल रो पुनः विकास कार्य रे होइथिबा अनियमितता पई संजय राउत को अटक रखिला आईडी। मुंबई रो पत्राचल रो पुनः विकास कार्य रे होइथिबा अनियमितता नै गतकाली ईडी शिवसेना सांसद संजय राउत को अटक रखिछि। रविवार सकाळे मुंबई स्थित संजय राउत को घरे ईडी टीम पहुंची तांको ही मामला संपर्क में पचरा उचरा करथिला। तांको अटक रखिबा पूर्व ईडी दुई थर संजय को पचरा उचरा पई डकाइथिले भी राउत थरे भी हाजर होई नथिले। एहाको देखि ईडी अधिकारी माने रविवार सकाळ प्राय 7 टारे शिवसेना नेता संजय राउत को बासभवन में पहुंची थिले। ईडी अधिकारी पहुंचा पर गतकाली सकाळे मराठी भाषा ट्वीट करी संजय लिखिले जे कोनोसी दुर्नीति व्यापार रे मोर संपृक्त नाही। शिवसेना मुख्य बाला साहेब ठाकरे राण खाई मु एक कथा कहूँ। बाला साहेब आमको संग्राम करने शिखाई मु शिवसेना लड़ी। अकारण कार्यानुष्ठान मिथ्या प्रमाण। मु शिवसेना छाड़ी नहीं, मरबी पछे आत्मसमर्पण करी नहीं। जय महाराष्ट्र। नंबर 6 राज्यगोष्ठी क्रीड़ा भारत को द्वितीय स्वर्ण पदक। बर्मिंगहाम चलिथिबा राज्यगोष्ठी क्रीड़ा 2022 रे पुरुष भार उत्तोलनकारी जेरेमी लाल रिनुगा 67 किलोग्राम वर्ग रे रेकर्ड ओजन उठाई स्वर्ण पदक जीति। से नुआ रेकर्ड कर प्रथमे से 140 केजी उठाई द्वितीय पर्याय 160 केजी उठाई नुआ रेकर्ड करथिले। तृतीय पर्याय 86 केजी उठाई स्नाच रे जेरेमी 140 केजी उठाई एवं क्लीन एंड जर्क रे 160 किलोग्राम भार सहायतार समुदाय 300 किलोग्राम उठाई नुआ रेकर्ड करथिले। तेबे से सोनो जीतिबा परे भारतर पदक संख्या 5 रे पहुंचीथिबा बेले भार उत्तोलन रे द्वितीय सोनो मिलिछि। नंबर 7 नवम और दशम पाठ्यक्रम रे नुआ विषय विपर्जय और महामारी परिचालना पाठ पढ़िबे छात्र छात्री। नवम और दशम श्रेणी पाठ्यक्रम रे नुआ विषय विपर्जय परिचालना और महामारी परिचालना उपरे पाठ पढ़िबे छात्र छात्री। एथिपाई स्वतंत्र पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जायछि। चलित वर्ष ठारू एही दुई नुआ विषय पढ़िबे नवम और दशम श्रेणी छात्र छात्री। राज्य सरकारक निर्देश क्रमे नुआ पाठ्यक्रम पढ़ा हेबो। एने माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना मिलिछि। स्कूल पिला पढ़िबे विपर्जय और महामारी परिचालना पाठ। बन्या बात्या आदि रु किभली सुरक्षा पाइबे से सब उपरे सेमाने शिक्षा ग्रहण करिबे। सही भली महामारी परिचालना नै मध्य छात्र छात्री माने पाठ पढ़िबे। महामारी को किभली भाबे मुकाबला करि हेबो से नै स्कूल ले पाठ पढ़ा हेबो। नंबर 8 कृषकंका पाई खुशी खबर। एबे आपनको खाता को आसीबो द्वादश किस्ती। कृषकंका आर्थिक सहायता पाई केंद्र सरकारक द्वारा आरंभ होइथिबा पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे कृषक मानकु प्रति वर्ष 6000 टंका दिया जाउछि। एही टंका प्रति 4 मास रे कृषकक अकाउंट को 2000 टंका किस्ती रे स्थानांतरित हुए। वर्तमान पर्यंत एही योजनार 11 टी किस्ती कृषकक अकाउंट को आसी सारिछि। एबे लोक माने द्वादश किस्ती पाइबा पाई अपेक्षा करिसथि। 31 मे 2022 रे प्रधानमंत्री मोदी 11 किस्तिर 2000 टंका 10 कोटी अधिक चाषी अकाउंट को स्थानांतर करथिले। एभली परिस्थिति रे 12 किस्ती पाई यार 2000 टंका केवल 1 सेप्टेम्बर 2022 पर कृषक अकाउंट को हस्तांतर हेबो बोली आशा करा जाउछि। कारण आर्थिक वर्षर प्रथम किस्ती एप्रिल जुलाई मध्य आसी थाए, द्वितीयटी अगस्त रु नवेम्बर मध्य आसे। कृषि विभाग सहित जड़ित सूत्र जना पड़ी जे 12 किस्ती सेप्टेम्बर 1 रु सेप्टेम्बर 10 मध्य आसीपे। नंबर 9 केंद्र स्वास्थ्य मंत्री गुरुत्वपूर्ण घोषणा 16 राज्य में बढ़ एमबीबीएस सीट संख्या ओडिशा को मिलिबो केते। देशर विभिन्न राज्य में बढ़ एमबीबीएस सीट संख्या एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया संसद में सूचना देइछंती। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम अधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज गुडी को अपग्रेड करा जिवो। राजस्थान में सर्वाधिक 700 मेडिकल सीट बढ़िबो। श्री मांडविया कहिसंती सीएसएस अधीन सरकारी मेडिकल कॉलेज गुडी को अपग्रेड करा जिबा परे एमबीबीएस सीट संख्या वृद्धि करा जिवो। मेडिकल कॉलेज मानकरे पीजी सीट संख्या बढ़िबो और नुआ पीजी विषय आरंभ करा जिवो। 16 राज्य केन्द्रशासित अंचल 3495 एमबीबीएस सीट को मंजूरी मिली। रिपोर्ट मुताबक राजस्थान में 700 सीट, मध्य प्रदेश में 600, कर्णाटक में 550, तमिलनाडु में 345, गुजरात में 270, ओडिशा में 200, आंध्र प्रदेश में 150, महाराष्ट्र में 150, झारखंड में 100, पंजाब में 100, पश्चिम बंग में 100, जम्मू काश्मीर में 60, मणिपुर 50, यूपी में 50, उत्तराखंड में 50, हिमाचल प्रदेश में 20 सीट बढ़िबार संभावना रही। नंबर 10 वाचस्पति विक्रम केसरी आरुंग नेतृत्व में 26 जन विधायक जीवे दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जणाइबे अभिनंदन। दिल्ली जीवे 26 विधायक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा विधानसभा पक्षरु अभिनंदन जणाइबाको वाचस्पति विक्रम केसरी आरुंग नेतृत्व में 26 जन विधायक दिल्ली गस्तरे जीवे। आसंता काली सेमाने दिल्ली रे पहुंचबे। 3 तारीख रे राष्ट्रपति को भेटी 4 तारीख रे भुवनेश्वर फेरी आसिबार कार्यक्रम रही। उपवाचस्पति रजनीकांत सिंह, मंत्री निरंजन पुजारी, प्रमिला मल्लिक, प्रताप देव दिल्ली जीवे। कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र, विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी दिल्ली गस्तरे जीवे।